फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने केवीएस पेडागोजी से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि टीजीटी पीजीटी और पीआरटी सभी पोस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने केवीएस पेडागोजी की सेकेंड यूनिट स्टार्ट की थी अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग को कर लिया है। उसके बाद मैंने जो है आप लोगों के लिए एक बेस वीडियो डाला था बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म पर। तो देखिए, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म की वो वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे तो आज जो हम करेंगे इम्प्लीकेशन वो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा 17th लेक्चर रहेगा, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बिहेवियरिज्म को करेंगे। किसके स्पेशल रेफरेंस में इम्प्लीकेशन देखेंगे, रोल ऑफ टीचर यानी कि बिहेवियरिज्म में टीचर का रोल क्या रहेगा, लर्नर का रोल क्या रहेगा, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप किस तरह के होंगे, टीचिंग मेथड की चॉइस क्या रहेगी, क्लासरूम एनवायरनमेंट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन पावर एटसेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बिहेवियरिज्म का इम्प्लीकेशन देखेंगे। मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, पहले आप उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद ही आप इम्प्लीकेशन को देखिएगा। ये मैं दोबारा से रिपीट करूँ तो बिहेवियरिज्म को मैं बिल्कुल यहाँ डिटेल में नहीं करवाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ बिहेवियरिज्म का इम्प्लीकेशन क्या रहेगा, जो जो सब टॉपिक्स आपके सिलेबस में दे गए हैं उसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे। तो बिहेवियरिज्म क्या है, एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है लर्निंग का, जिसमें जो है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और रीइंफोर्समेंट पर फोकस किया जाता है, यानी कि किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को शेप देने के लिए ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और रीइंफोर्समेंट की बात इस पर्सपेक्टिव में, इस वाद में की गई है, यानी कि बिहेवियरिज्म में की गई है। तो बिहेवियरिज्म का इम्प्लीकेशन क्या रहेगा, किसके स्पेशल संदर्भ में बात की गई है, रोल ऑफ टीचर, लर्नर, नेचर ऑफ टीचर, स्टूडेंट रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड पावर। तो इन सभी के संदर्भ में बिहेवियरिज्म का क्या इम्प्लीकेशन रहेगा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोल ऑफ टीचर, यानी कि टीचर का क्या रोल रहेगा बिहेवियरिज्म में। तो देखिए, बिहेवियरिज्म में जो टीचर का रोल होता है वो एक कंट्रोलर का होता है, वो एनवायरनमेंट और साथ ही स्टूडेंट्स का जो व्यवहार है उसको भी कंट्रोल करती है, और जो भी स्टिमुलस टीचर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उसके प्रति वो डिजायर्ड रिस्पॉन्स का एक्सपेक्टेशन रखती है लर्नर से। तो टीचर का मेन रोल क्या रहता है, डिजाइन एंड डिलीवर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स दैट हेल्प स्टूडेंट्स एक्वायर द डिजायर्ड बिहेवियर, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है उसको डिजाइन करती है, डिलीवर करती है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन आ सके, ठीक है। डिजायर्ड बिहेवियर को एक्वायर करने के लिए वो क्या करती है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को डिजाइन और डिलीवर करती है। और जो टीचर होती है वो क्या यूज करती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स टू इंक्रीज द डिजायर्ड बिहेवियर एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स टू डिस्क्रेस अनडिजायरेबल बिहेवियर, यानी कि बच्चों को अगर वो अच्छा व्यवहार करते हैं, यानी कि टीचर जैसा चाहती है डिजायर्ड बिहेवियर वो करते हैं, तो उसको इंक्रेज करने के लिए वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करती है, और अगर बच्चे गलत व्यवहार करते हैं तो उसके लिए वो क्या करती है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो लर्निंग की है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है। उसका जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, क्योंकि वो लर्निंग की थ्योरी है, बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है, वो आप जरूर देखिएगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये सारी की सारी थ्योरीज मेरे चैनल पर है, और उनका जो है मैं आई बटन पर भी आप लोगों को यहाँ पर लिंक दे दूंगी, वहां पर भी आप आई बटन पर क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं, उस थ्योरी को देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ लर्नर। देखिए, लर्नर का रोल क्या रहेगा, तो देखिए, जब टीचर का जो रोल है वो एक ऑथोरिटी फिगर का है, तो लर्नर का रोल क्या रहेगा, उसका जो रोल रहेगा एक पैसिव रिसीवर का रहेगा, यानी कि टीचर जिस तरह की इंफॉर्मेशन लर्नर या स्टूडेंट्स को देगी वो उस इन्फॉर्मेशन को उसी तरह से स्वीकार करेंगे, यानी कि जो भी स्टिमुलस टीचर के द्वारा दिया जाएगा उसके प्रति वो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स देंगे। तो जो लर्नर्स का बिहेवियर है उसको किस तरह से शेप दिया जाएगा, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के द्वारा यहाँ पर, जो कि टीचर देगी, यानी कि अगर बच्चे अच्छा व्यवहार करेंगे तो टीचर क्या करेगी, उनको रिवॉर्ड देगी, अगर अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो वो पनिशमेंट देंगी। तो जो लर्नर का रोल है वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट का न होकर किस तरह का होगा, एक पैसिव रिसीवर हम उसको कह सकते हैं, यानी कि पैसिव
का रोल लर्नर का यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। देखिए बिहेवियरिज्म में टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप किस तरह के रहेंगे, तो अभी हमने टीचर का रोल देखा, लर्नर का रोल देखा, अब इन दोनों का रिलेशनशिप किस तरह का रहेगा। तो यहाँ पर हम दोनों का हमने रोल देखा, टीचर का रोल है वो किस तरह का है, कंट्रोलर एक अथॉरिटी फिगर का है, जो लर्नर है जो स्टूडेंट है उसका रोल किस तरह का है, पैसिव रिसीवर का रोल एक तरह से रहेगा, यानी कि टीचर जिस तरह का बिहेवियर चाहेगी लर्नर को उसी तरह का व्यवहार करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो टीचर है वो क्या करेगी, कंट्रोल द लर्निंग एनवायरमेंट एंड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, टू ओबे द टीचर्स इंस्ट्रक्शन, यानी कि स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि टीचर जो भी कह रही है उनके इंस्ट्रक्शंस को वो ओबे करें। तो टीचर क्या है, एक अथॉरिटी फिगर है, और जो रिवॉर्ड और पनिश करेगी स्टूडेंट्स को बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, यानी कि जिस तरह का वो व्यवहार करेंगे उसके आधार पर टीचर जो है बच्चों को या तो रिवॉर्ड देगी या पनिशमेंट देगी, वो डिपेंड करेगा बच्चों के व्यवहार पर। ठीक है, तो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो टीचर का रोल एक तरह से अथॉरिटी फिगर का रहेगा, और स्टूडेंट को क्या करना है, जो भी टीचर बताएगी उन सब इंस्ट्रक्शंस को ओबे करना। तो ये था टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। अब हम बात करेंगे चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, यानी कि टीचिंग मेथड्स की चॉइस किस तरह की होगी। तो बिहेवियरिज्म में जो है किस चीज पर फोकस किया जाता है, तो अगर आप लोगों ने बिहेवियरिज्म से रिलेटेड जो भी थ्योरीज है, जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, या थॉर्नडाइक की कनेक्शनिज्म थ्योरी है, या ट्रायल एंड एरर थ्योरी जिसको हम कहते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी या कनेक्शनिज्म थ्योरी भी हम उसको कहते हैं, थॉर्नडाइक की थ्योरी है या पेवलो की थ्योरी है, तो इन सब थ्योरीज में आपने एक कॉमन चीज देखी होगी कि बार बार प्रैक्टिस रेपिटेशन पर फोकस किया जाता है, या रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात इनमें की गई है। तो जो टीचिंग मेथड होंगे बिहेवियरिज्म के, वो किस चीज पर फोकस करेंगे, ड्रिल एंड प्रैक्टिस से रिलेटेड होंगे, साथ ही किस तरह की टेक्निक का यूज किया जाएगा, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, यानी कि अगर बच्चा अच्छा व्यवहार करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, अदरवाइज उसको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। तो टीचिंग मेथड्स में क्या होगा, बिहेवियरिज्म में लेक्चर, वर्कशीट, क्विज और टेस्ट का प्रयोग टीचर कर सकती है ताकि बच्चों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन आ सके, और बिहेवियरिज्म में किस पर, रेपिटेशन और रीइंफोर्समेंट के द्वारा भी लर्निंग पर फोकस किया गया है। ये जितनी भी थ्योरीज हैं बिहेवियरिज्म की, इन सब में आप यही कॉमन चीज देखेंगे। नेक्स्ट है क्लासरूम एनवायरमेंट। देखिए क्लासरूम एनवायरमेंट की अगर हम बात करें, तो बिहेवियरिज्म में जो है क्लासरूम एनवायरमेंट किस तरह का होगा, स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, जिसमें जो है टीचर क्लियर कट एक्सपेक्टेशन टीचर की रहेगी कि बच्चे जो है उचित व्यवहार करें, किसी प्रकार का अनडिसिप्लिन क्लास में ना हो, और क्लास में किस पर फोकस किया जाएगा, रूटीन और रेपिटेशन पर फोकस रहेगा। और अगर हम फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करें, यानी कि भौतिक वातावरण की बात करें, तो टेम्परेचर, लाइट, नॉइस लेवल, इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये था क्लासरूम एनवायरमेंट। अब हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन एंड पावर, यानी कि डिसिप्लिन और पावर की अगर हम बात करें तो वो किस तरह का होगा। तो देखिए जो डिसिप्लिन होगा वो कंट्रोल्ड होगा, यानी कि टीचर कंट्रोल करेगी, एक कंट्रोल डिसिप्लिन रहेगा क्लास का। टीचर क्या कर सकती है, पनिशमेंट दे सकती है अनवांटेड बिहेवियर के लिए, जो कि बच्चों को डिस्करेज करेगा, और रिवॉर्ड दे सकती है जो कि बच्चों को इंक्रेज करेगा अगर वो अच्छा व्यवहार करते हैं। पावर की अगर हम बात करें तो टीचर के पास रहेगी, यानी कि टीचर जो है एक अथॉरिटी फिगर की तरह होगी, और स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि भाई वो टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। तो इसमें जो है किस चीज पर फोकस किया गया है, बिहेवियर पर रादर देन ऑन द इंडिविजुअल्स थॉट एंड फीलिंग, यानी कि बिहेवियरिज्म में जो है किसी भी इंडिविजुअल की थॉट और फीलिंग की बजाय उसके व्यवहार को चेंज करने पर ज्यादा फोकस किया गया है। देखिए केवीएस पेडागोजी में आपका जो सिलेबस दिया गया है तो सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीकेशन की बात की गई है, यानी कि टीचर के संदर्भ में क्या इम्प्लीकेशन रहेगा, लर्नर के संदर्भ में क्या रहेगा, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप किस तरह के रहेंगे, क्लासरूम एनवायरमेंट, पावर, डिसिप्लिन की बात की गई है। तो ये तो मैंने आप लोगों को टू द पॉइंट यहाँ पर करवा दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि अभी आप सभी ने देखा है कि जो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आगे भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीकेशन ही नहीं करना है, ये तो बिल्कुल करना ही करना है, इसके अलावा बिहेवियरिज्म के अंतर्गत जितनी भी थ्योरीज आएंगी, जैसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ये जितनी भी बिहेवियरिज्म से रिलेटेड थ्योरी है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को वो थ्योरीज भी करनी है बिहेवियरिज्म की। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बिहेवियरिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो किस तरह का हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो थ्योरीज
बिहेवियरिज्म के अंतर्गत आएंगी, क्वेश्चन उनसे भी रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the thoughts of school in psychology is also called as black box theory? देखिए मनोविज्ञान में किस स्कूल के विचार को ब्लैक बॉक्स सिद्धांत कहा जाता है, किसको कहा जाता है? बिहेवियरिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म या गेस्टाल्टिज्म? तो देखिए ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से किसको जाना जाता है? बिहेवियरिज्म को, यानी कि जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवादी जितने भी हैं जैसे वॉटसन है, जोन लोग हैं, इनका मानना है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक ब्लैंक स्लेट की भांति होता है, उसके व्यवहार को जिस तरह से डायरेक्शन दी जाए उसका व्यवहार उसी डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि व्यवहार को चेंज किया जा सकता है, व्यवहार को एक शेप दी जाती है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो वो किसकी तरह होता है? एक ब्लैक स्लेट की भांति होता है। तो ब्लैक बॉक्स थ्योरी किसको कहा जाता है? बिहेवियरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव इनवॉलंटरी बिहेवियर्स आर एसोसिएटेड विद कंडीशनिंग। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो बिहेवियरिज्म के अंतर्गत जो थ्योरीज आएंगी उनसे रिलेटेड है, क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे वो किसी भी तरह से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? रिफ्लेक्सिव अनैच्छिक जो व्यवहार है वो कौन सी कंडीशनिंग से जुड़ा है? कौन सी कंडीशनिंग? ऑपरेंट, क्लासिकल, इनसाइट या सोशल? ठीक है, तो कौन सी कंडीशनिंग से इनवॉलंटरी बिहेवियर और रिफ्लेक्सिव व्यवहार जो है वो एसोसिएट है? तो किस में हम बात करते हैं? देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग में हम जो है रिफ्लेक्सिव और इनवॉलंटरी बिहेवियर की बात करते हैं, जहां पर जो पेवलो का जो डॉग है वो किस तरह का, यानी कि जैसे ही बैल बजती है, डॉग के सामने फूड आता है तो वो किस तरह की क्रिया करते हैं? उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता है, वो क्या है? वो एक इनवॉलंटरी बिहेवियर है, यानी कि इनवॉलेंट्री होता है, अनैच्छिक व्यवहार है, वो चाहते हुए भी वो हो जाता है। तो वो किसमें होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस साइंटिस्ट यूज्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग टू ट्रेन रैट्स एंड पिजन्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट एंड डार्क। देखिए इस मनोवैज्ञानिक ने प्रकाश और अंधेरे के बीच अंतर करने के लिए चूहों और कबूतरों को प्रशिक्षित करने के लिए ऑपरेशनल कंडीशनिंग का इस्तेमाल किया है। तो क्वेश्चन में दो चीजें आप लोगों को दी गई हैं, एक तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की गई है, यानी कि आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग सुनते ही आप लोगों को क्लियर पता हो जाना चाहिए कि भाई ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात किसके द्वारा की गई है, साथ ही क्या दिया गया है? रैट और पिजन्स की बात की गई है, यानी कि रैट और पिजन पर किसके द्वारा प्रयोग किए गए थे। तो हम सभी जानते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है स्किनर के द्वारा दी गई है, जिसमें उन्होंने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किए थे, किसमें? डिफरेंशिएट को समझने के लिए, लाइट और डार्क में डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने किस पर प्रयोग किए थे? पिजन और रैट्स पर उन्होंने प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट समटाइम्स गॉट एज ऑन हिज मिड टर्म एग्जाम्स लास्ट ईयर when he used his green pen to write the exams। देखिए एक जो बच्चा है उसने अपने पिछले साल के मिड टर्म एग्जाम के लिए ग्रीन पेन का यूज किया, ठीक है। Now he always take his lucky green pen to exams। अब वो क्या करता है कि उसको लगा कि ये जो पेन है ये मेरे लिए बहुत लक्की है, तो हमेशा अपने उसी ग्रीन पेन को वो ले जाता है। कई बार बच्चे भी करते हैं ना कि ये पेन से जब मैंने पेपर दिया तो मेरा पेपर जो है बहुत अच्छा हुआ, तो हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं इसी पेन को लेकर जाऊं। How did the student's superstitious behavior arise? तो जो बच्चे का, यानी कि जो स्टूडेंट है उसका जो ये अंधविश्वासी व्यवहार है ये किसके कारण बच्चे में आया, यानी कि कौन सी कंडीशनिंग किस तरह की लर्निंग के कारण हुआ? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी कि उसने ऑब्जर्व करके सीखा, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग या नन ऑफ द अबव? तो देखिए अगर हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करें तो इसकी बात जो है किसके द्वारा की गई है? बंडूरा के द्वारा अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी में की गई है, यानी कि बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या होता है, जिसमें पेवलोव के द्वारा डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो उसमें उन्होंने पहले स्टिमुलस दिया, उसके बाद जो रिस्पॉन्स डॉग करता है वो आता है, ठीक है। तो पहले क्या होता है? स्टिमुलस, उसके बाद रिस्पॉन्स। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में क्या होता है, जो उन्होंने रैट और पिजन पर जो प्रयोग किए थे उसमें क्या करना होता है, जो रैट होता है वो पहले क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है, उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं उसके बिहाफ पर उसको रिवॉर्ड और पनिशमेंट मिलता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चा क्या कर रहा है, पहले बच्चा जो है कोई क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी कि कुछ क्रिया कर रहा है, उसके बाद वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख रहा है, यानी कि उसको लगा कि उसने इस कलम का यूज किया तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स उसको मिल रहे हैं, तो वो बार बार उसी को यूज करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि पहले रिस्पॉन्स उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये किस में बात की गई है, ये बात की गई है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में। ऐसा होता है यानी कि पहले बच्चा रिस्पॉन्स करता है, उसके बाद उसके व्यवहार को शेप देना। तो यहाँ पर बच्चे को जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहे हैं कि भाई जब मैं इस पेन को यूज कर रहा हूँ तो उससे उसके
एग्जाम अच्छे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके प्रति उसका अंधविश्वास अराइज हो रहा है। तो ये क्या है, ये एक तरह की ऑपरेंट कंडीशनिंग। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कंडीशनिंग द बेसिस ऑफ लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग अ रिस्पॉन्स एंड द कॉन्सिक्वेंस दैट फॉलोज इट। देखिए कौन सी कंडीशनिंग थ्योरी में, किस कंडीशनिंग में पहले जो है रिस्पॉन्स को एसोसिएट किया जाता है उसके कॉन्सिक्वेंसेज से। तो पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा कि पहले रिस्पॉन्स और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं उसके बाद बच्चे के व्यवहार को शेप दी जाती है, उसको रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट। तो ये किसमें होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल, इंसाइट या सोशल। तो किसमें बात की थी अभी हमने लास्ट पिछले ही क्वेश्चन में, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में क्या होता है, रिस्पॉन्स किससे एसोसिएट होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज से। पहले रिस्पॉन्स, उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं उसके बाद बच्चे को रिवॉर्ड और पनिशमेंट मिलता है। तो ये किसमें होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम जो है कॉग्निटिविज्म को बिल्कुल सेम प्रोसेस में करेंगे, यानी कि इसी तरह से उसका भी इंप्लीकेशन पूछा गया है, तो कॉग्निटिविज्म को करेंगे। मिलती हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। देखिए अगर वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस।